अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियावानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। गंगा जमुना को तहजीब के मद्देनजर बनालो फेस्टिवल में मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और टीआरएस लीडर की मौजूदगी नामपल्ली टेम्पल पर। हैदराबाद की मशहूर नामपल्ली टेम्पल श्री येदु गुदला पोचम्मा टेम्पल बोनालो फेस्टिवल के अहम मौके पर मिनिस्टर महमूद अली साहब, तलसनी श्रीनिवास यादव और इंदिरा किरण रेड्डी, साई किरण यादव सिकंदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज और एमएलसी प्रभाकर राव, इनके अलावा बंडी रमेश और दीगर भी मौजूद थे। इन तमाम ने मीडिया से बात करते हुए टेम्पल के चेयरमैन टीआरएस पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज आनंद कुमार को मुबारकबाद पेश की। टेम्पल के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप अग्रवाल, नरेंद्र बिरलम और रेड हिल्स डिवीजन कंटेस्टेंट कॉपरेटर प्रियंका गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीली रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ रिपोर्टर की बियावानी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए बियावानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह। थोड़ा प्रदीप भाई थोड़ा सामने आओ। प्रदीप भाई बाद में आप देखें कि हर गली गली में जो है मंदिरों के पास जो है बोनालो का जो है फेस्टिवल बनाया जा रहा और बहुत जोश और खरोश के साथ जो है आज जो है इस ईद मनाई जा रही है। तेलंगाना हासिल करने के बाद पहली मरतबा जब हमारा तेलंगाना हासिल हुआ, केसीआर साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के सोच की वजह से आज जो है पूरा जो है जितना भी जो है ये फेस्टिवल्स है स्टेट फेस्टिवल के ऐसे जो है डिक्लेयर करके जो है आज पूरा हैदराबाद में जो है ज़बरदस्त तरीके से ईद मनाया जा रहा है। और आपको खुशी होगी मालूम होकर जो है 15 करोड़ रुपए जो है आज तकरीबन 3000 मंदिरों को जो है हुकूमत की तरफ से आज पूरे जो है इंतजाम जो है हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है। और ये माहौल और ये जो है फैसला शायद मैं समझ रहा हूँ दुनिया में कोई जो है रियासत में नहीं है
सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब के क्यालत से जो है आज इतने धूमधाम से जो है ईद मनाते जा रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, आप देखें कि मुसलमान भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, इस तरीके से सब मिलजुल कर जो है एक बेहतरीन तेलंगाना, सुनहरी तेलंगाना बनाने के वास्ते जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये सोच की वजह से जो है आज जो है ईद बहुत ज़बरदस्त मनाते जा रहे हैं। आप देखें कि बिल्कुल हर मंदिर के पास जो है लाइटें जो भी है वो भी हुकूमत की तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले, पुलिस वाले, वाटर वर्क्स वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल वाले, ये सब के कोऑर्डिनेशन की वजह से। और खासकर मैं इस मौके पर हमारे तेलसानी श्रीनिवास यादव साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 2 महीनों से इसके पीछे जो है काफ़ी मीटिंग और काफ़ी मेहनत उनकी रही। उनकी मेहनत की वजह से आज जो है पूरा शहर हैदराबाद में सब लोग खुश है। आज देखें कि कवादिन जो है पूरे जो है बोनालू जो लेके पूरे अपने बच्चों के साथ, पूरे अपने परिवारों के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ जो है आज ईद मनाते जा रहे हैं। तो मैं इस खुशी के मौके पर मैं श्रीनिवास यादव साहब को और महमूद अली साहब को, क्योंकि दोनों भी जो है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद की जो है हर चीज़ को जो है वो जानते हैं, तो दोनों भी जो है तकरीबन 2-3 महीने से जो है इसके पीछे कई रिव्यू मीटिंग्स हम करते गए पुलिस डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स को जो है कोऑर्डिनेट करने से। तो आप देखें परसों जो है पूरों को चेक दिया गया, तो लोग खुश हैं और मैं समझता हूँ कि आते से दिनों जो है इसी तरीके से जो है एक शहर हैदराबाद में बोनालू जातरा बहुत बड़ी रकम से गवर्नमेंट के सहायत से पूरे अम्मावार के जो भी भक्ता हैं पूरे खुशी से ये त्यौहार मना रहे, बहुत खुशी की बात है। और एक हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट साहब केटीआर साहब का भी आज ही जन्मदिन है, दोनों मिलके आना भी हैदराबाद में एक माहौल छा गया है, बहुत खुशी का माहौल छा गया है। हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि अम्मा आशीर्वाद दे हमारा केटीआर साहब को और ज़्यादा से लंबी उम्र दे और सबको सर्विस करने की मौका दे, ऐसे उम्मीद करते हुए पूरा भारत देश में तेलंगाना ऐसा एक ही हुकूमत है जो त्यौहार को, कुछ भी त्यौहार हों दो, बोनालू हों दो, रमज़ान हों दो, गवर्नमेंट की फंड से डेकोरेशन हों दो, लाइटिंग हों दो, फ्लावर हों दो, गवर्नमेंट खुद का फंड से करने वाले एक ही हुकूमत है हमारा केसीआर साहब का हुकूमत है। और सब गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखने की एक ही गवर्नमेंट जो है हमारा TRS गवर्नमेंट है, जो सबको बधाई देता हूँ। मांगल अम्मा सबको खुशी रखे, सब सलामत सही सलामत, ये कोरोना पूरा पीछे छोड़ के सबको बहुत खुशी दे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जय तेलंगाना।